सो गाइस, न्यू प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है। ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है गाइस। एंड जो इसकी विड्थ है इसको 1920 रखना है, ठीक है। एंड जो इसकी हाइट है इसे 1000 मतलब 1080, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी आपका बैकग्राउंड है, स्क्रीनशॉट है जो आप एडिट करना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर लो। सिंपली मैं एडिट ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी ले रखा है, ओके ठीक है गाइस। सो नाउ गाइस, अब क्या करना है आप लोगों ने देख सकते हो यहाँ पे स्काई। सो मैंने अपना स्काई एडिट करा हुआ है। सो गाइस, आपको लोगों को वही ऐड करना है अपनी स्क्रीन पे, ठीक है गाइस। मतलब ठीक लगेगा अगर आपको स्काई ब्लू कलर की स्काई रखनी है तो, ठीक है गाइस। ये ऐड कर लिया, ठीक लग रहा है। अब ये जो हमारा बैकग्राउंड है येलो कलर का, हम इसमें थोड़ी सी, ठीक है, पहले तो इसे डुप्लीकेट लेयर करनी है। डुप्लीकेट लेयर क्यों करनी है, इसे पहले डिलीट करो। अगर एक में गलत हो जाता है तो दूसरे से हम स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे हमने इसमें टिंट करना है, और टिंट जो कलर है वो यहाँ पे पर्पल है, एंड पर्पल एकदम लाइटन पर्पल है एकदम, ठीक है। सो ठीक ही लग रहा है, ठीक है। और इसकी जो लुमिनेसिटी है वो मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा, ओके डन हो गया, ठीक लग रहा है। इसकी डुप्लीकेट लेयर करके आप लोगों ने क्या करना है, इसे गॉशियन ब्लर ऐड कर देना है, ठीक है गाइस। पूरा नहीं करना है, इतना रख देना है, एंड इसे लीनियर डॉज कर देना है, ठीक है। नाउ इस पर गॉशियन मतलब ये कर देना है, लाइट कर देनी है, ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाएगा। हाँ ठीक लग रहा है, हाँ ओके एकदम बढ़िया लग, मतलब एकदम निखार आ बढ़िया लग रहा है यार। यहाँ इसकी ओपेसिटी मैं 71 कर देता हूँ, एकदम बढ़िया लग रहा है। बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे अगेन से लाइट कर देना है, ठीक है। दोनों में हमने लाइट कर दिया अगेन, हाँ देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है अब यहाँ पे, ये कि ऊपर हमारी स्काई है, नीचे पर्पल कलर की, मतलब जो भी है अच्छा ही लग रहा है देखने के लिए, ठीक है गाइस। कलर का नाम तो मेरे से बोलो ही भाई। अब इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होने वाला है। सिंपली गाइस, यहाँ पे अब हम टेक्स्ट को अपने ऐड कर लेते हैं। सो फोटो लाइब्रेरी में मैं जाऊँगा, फ़ॉन्ट की लिंक में जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके आप फ़ॉन्ट को कर लेना डाउनलोड, एंड अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना, टेक्स्ट क्रिएट कर लेना। सो क्लोजर, ओके नाउ मैं इसे पूरा ऊपर कर दूंगा, सबसे फर्स्ट लेयर पे इसे ही करना है हमें, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर यही होगी। एंड अपने हिसाब से गाइस आप इसे एडजस्ट कर देना जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वहाँ पे कर देना। सिलेक्ट पिक्सल्स करके इसे हमने एक ग्रेडियंट देना है। सो बैकग्राउंड के हिसाब से हमें ग्रेडियंट देना होता है। सो फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एंड एक और एम्पटी ले लूँगा, सिलेक्ट पिक्सल ही रहने दूंगा, एंड अब एक ग्रेडियंट दूंगा, उससे एक नई लेयर आ जाएगी, एंड जो उसकी क्वालिटी होगी वो एकदम मस्त होगी, ठीक है गाइस। सो मैं यही कलर रख रहा हूँ यहाँ पे, एंड नीचे ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट में दो कलर होते हैं, ठीक है गाइस, मतलब ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन मैंने दो कलर का ग्रेडियंट दे रखा है, ऊपर पर्पल एंड थोड़ा सा नीचे ब्लैक ही हो गया, ठीक है गाइस। नाउ सिलेक्ट पिक्सल करके एक एम्पटी ले लेनी है, एंड उसे इन्वर्स कर देना है, ठीक है। इन्वर्स करने के बाद इसे आप लोगों ने फिल कर देना है, ठीक है गाइस। एक सेकंड, फिल पे क्लिक कर देना है, टाइप को यहाँ फिल ही रखना है, एंड कलर ये जो हमारा टेक्स्ट है इससे ही उठा लेंगे, एंड इसे थोड़ा सा लाइटन और कर देंगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। डन हो गया, ओके सिलेक्ट पिक्सल्स को हटाएंगे, एंड ग्लो पे क्लिक करेंगे, पर्पल कलर मतलब यहाँ से इस तरह से चूज़ कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है गाइस। एंड इसकी जो ब्लर है इसे मैं यहाँ 11 कर देता हूँ, अपने टेक्स्ट के हिसाब से कर देना गाइस आप लोग। सेलेक्ट पिक्सल्स करनी है अगेन से टेक्स्ट की, मेन लेयर की, ऊपर वाली लेयर पर आना है, एंड इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है गाइस। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से इसे लीनियर डॉज कर लो, एक सेकेंड उसी लेयर पर क्लिक जाएगा, लीनियर डॉज कर लो। लीनियर डॉज करने के बाद जूम इन करके देखोगे तो आपको इसको इस तरह का दिखेगा। थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर लो, अब ठीक लग रहा है। एंड एक सेकेंड, इसकी सेलेक्ट पिक्सल्स करके एक और, एक सेकेंड गाइस, पहले मैं मर्ज डाउन कर लेता हूँ, ओके ठीक है। नाउ इसकी सिलेक्ट पिक्सल्स करके आप लोगों ने क्या करना है, एक एम्पटी लेयर लेनी है, ठीक है गाइस। एम्पटी लेयर लेने के बाद कहाँ गया, ये रहा, आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके मतलब ये जो होता है एक्सपेंड कर लेना है, इसे 1 रखना है बस, सिर्फ 1, एंड इसे फिल को फिल ही रखना है, वाइट कलर कर देना है, डन कर देना है, ओके। नाउ अब जो हमारी टेक्स्ट की नीचे मेन लेयर है उसकी सिलेक्ट पिक्सल्स करनी है आप लोगों ने, एंड जो ऊपर अभी हमने ये एक्सपेंड करा है इसको आप लोगों ने यहाँ से क्लियर कर देना है। अब क्लियर कर दोगे तो हमारे पास एक स्ट्रोक क्लियर आ जाएगी वाइट कलर में। सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ इस तरह की आ गई है, एकदम मस्त लग रही है। इसकी 2-3 डुप्लीकेट लेयर कर लेना गाइस, तो कि मतलब एकदम क्लियर दिखने लग जाए डुप्लीकेट करने से। एंड इसे मस्ट डाउन कर लेना, पूरा मस्ट डाउन मत कर देना गाइस, एक आपका टेक्स्ट का लेयर रहेगा और एक आपका इसका ये, ठीक है। सो नाउ इसे आपने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेना ताकि हमें ये जो मेन टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा अलग हो जाए। सो मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा लेफ्ट में कर देता हूँ इस तरह से, ओके ठीक हो गया।
नाउ अब आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट पिक्सल्स करनी है, एक और एम्पटी लेयर लेनी है आप लोगों ने। अरे यार क्या हो गया, चलो यार मतलब इसकी लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसे फिल कर देता हूँ, मतलब जो स्ट्रोक वाली लेयर थी उसकी हमने सिलेक्ट, और एक एम्पटी लेयर ली एंड फिल एंड स्ट्रोक कर दिया। कलर यहाँ पे हमने अब पर्पल रख दिया वापस, कलर पर्पल, ठीक है। एंड इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेना राइट की तरफ, कलर मैं भी कर दूंगा यहाँ पे इसे। इसे आपने अपने हिसाब से देख लेना गाइस, मेरे हिसाब से यहाँ पे ये ओवरले बेस्ट रहेगा। आप लोग देख लेना आप लोगों ने क्या करना है। सो मल्टीप्लाई अगर आप लोगों का अगर ट्राई करना हो तो, जो भी आप लोगों ने ट्राई करना है वो ट्राई कर लेना, ठीक है गाइस। मतलब ठीक ही लग रहा है, ओके। फिर भी यहाँ पे मैं ओवरले ही चूज़ करूँगा इसे, एंड ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर देनी है। यार एक मिनट मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ थोड़ी कौन सा अच्छा लग रहा है। ये तो ब्लैक ही हो गया, नहीं यार स्क्रीन देख लेते हैं हम लोग, नहीं ओवरले ही ठीक लग रहा है मेरे को, ओवरले कर लेना है आप लोगों ने। एंड इतना एकदम मस्त अपना रेडी हो गया है थंबनेल। सो एकदम आपका कूल थंबनेल रेडी हो चुका है लगभग, लेकिन अब जो है इसमें मेन चीज़ रह गई है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक मिनट। इसे आप लोगों ने मर्ज विजिबल कर लेना है। मर्ज विजिबल करने के बाद गाइस अब आप लोगों ने क्या करना है, एक सेकंड का गया, यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। अगर आप लोगों को कम करनी तो कम कर लेना, नहीं तो ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इस तरह से करोगे तो देख सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका बस थोड़ा सा 3 बढ़ाऊँगा, ओके। नाउ इसमें थोड़ी सी शार्पनेस कर दूँगा मैं, शार्पन, एंड इसकी मतलब ये ओपेसिटी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कितनी आप लोगों को ठीक लग रही है। यहाँ पे मैं इतनी ठीक है, ओके डन हो गया, बस ये रेडी हो गया है। अब इसे यहाँ से सेव कर लो, ठीक है गाइस। सेव करने के बाद लाइट रूम एप्लीकेशन में मतलब इंपोर्ट कर लेना। तो चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन की तरफ। तो सेव हो जाने के बाद में मतलब लाइट रूम एप्लीकेशन में ऐड कर लेना इमेज को। सो लाइट रूम एप्लीकेशन मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो ओके ये रहा मेरा लाइट रूम एप्लीकेशन एंड ये रही वो इमेज। फिर भी मैं दोबारा से इंपोर्ट कर लेता हूँ इमेज को, पर ठीक ही लग रही है गाइस ये रही, ठीक है गाइस। नाउ प्रीसेट की लिंक मिल जाएगी, फिलहाल मैं इसकी कॉपी सेटिंग कर लेता हूँ यार, रुक जाओ एक मिनट आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। कॉपी सेटिंग कर लेता हूँ, ओके डन हो गया। बैक आता हूँ वापस, न्यू इमेज ऐड कर लेता हूँ, वही वाली जो अभी हमने न्यू बनाई है, ओके ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ये इमेज भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी अब हमारी, ये रही, ओके ऐड पे क्लिक कर दिया, ये इमेज यहाँ पे ऐड हो गई है हमारी, ठीक है गाइस। नाउ बस मैं क्या करूँगा यहाँ पे पेज सेटिंग्स कर दूँगा, ठीक है गाइस। जो आपको प्रीसेट मिल जाएगा वो आप अप्लाई भी कर सकते हो, देख सकते हो कितना कूल सा थंबनेल आप लोगों का रेडी हो चुका है।